दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ पुष्पा फिल्म के सेवेंथ वीक के ट्यूजडे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में। ये फिल्म अभी भी चल रही है और आने वाले दो हफ्ते तक इस फिल्म को कोई हिला नहीं सकता है। आज फरवरी का पहला दिन है और ये दिसंबर 17 को फिल्म रिलीज हुई थी और इसके पास कोई भी ऐसा तगड़ा क्लैश नहीं है जिससे इस फिल्म को किसी भी तरह से दिक्कत हो जाए। और पहली बॉलीवुड की जो छोटी मोटी फिल्म भी है, जो भी आप पकड़ लीजिए, वो रिलीज हो रही है बधाई दो करके, जो रिलीज हो रही है 11th फरवरी 2022 को, यानी कि अभी भी इस फिल्म के पास 10 दिन का समय और है। इस 10 दिनों में जितना भी इस फिल्म को कमाना है और कमा सकती है। और मेरे पास जितना भी अपडेटेड रहेगा मैं इस फिल्म के बारे में बताता रहूंगा जब तक मेरे पास एक तरह के इन्फॉर्मेशन या आंकड़े मुझे समझ में आते रहेंगे। अदरवाइज मैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ व्यूज के लिए नहीं वीडियो बनाऊंगा, वो मेरा काम नहीं है। यहाँ पे डे 47 की बात करने से पहले डे 46 के बारे में बात की जाए, यानी कि सेवंथ वीक के मंडे तक का। तो मंडे तक का कलेक्शंस ऑफिशियल तो आया नहीं है, लेकिन हम जिस हिसाब से कलेक्शंस बता रहे हैं ट्रेड के कलेक्शंस भी आसपास वैसे ही आ रहे, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमारा भी जो एस्टिमेट है वो या प्रेडिक्शन ज्यादा गलत नहीं है। तो यहाँ पे कल का मान लीजिए इस फिल्म ने 40 लाख तक की कमाई की है डे 46, यानी जो इसका मंडे है, मंडे कलेक्शन ड्रॉप होता ही होता है। तो उस लॉजिक से इस फिल्म का कलेक्शन पहुंचेगा 100.45 करोड़, ठीक है, कल तक का। आज का प्रेडिक्शन है इस फिल्म का 30 लाख से लेकर 50 लाख तक का, और आज डे 47 है और आज का मतलब कल का कलेक्शन के बाद आज का प्रेडिक्शन के हिसाब से ये फिल्म जाएगी तो कहां तक जाएगी वो बताता हूँ। 30 लाख टू 50 लाख दिस माय प्रेडिक्शन, एंड द फिल्म अगर इतना कमाती है तो ये जाएगी 100.75 करोड़ से लेकर 100.95 करोड़ तक, यानी कि ये फिल्म आज का कलेक्शन मिला के 101 करोड़ के आसपास जाकर पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये है, आप सोचोगे लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, तो 105 करोड़ के ऊपर जाके ये फिल्म किसी भी तरह से, मैं बोलूंगा नहीं कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि बधाई दो जो फिल्म है उसके बावजूद इसके पास स्क्रीन्स बची रहेगी। मुझे ऐसा लगता है इस फिल्म का अगर सही मायने में देखा जाए तो लाइफ टाइम एंड इसका 110 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। 110 करोड़ एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी इस फिल्म के लिए हिंदी डब वर्जन में। एनीवेज आपकी क्या राय जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।